हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। जब बैटरी सेल या जनरेटर द्वारा निकला पॉजिटिव करंट तार से निकलकर वापस नेगेटिव तार के द्वारा वापस उसी स्थान पर पहुंच जाए तो उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण। ये एक छोटा सा टॉर्च जिसमें सेल, बटन और बल्ब होता है। तो जैसे ही हम बटन को दबाते हैं तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलकर बटन के द्वारा बल्ब में चला जाता है और नेगेटिव टर्मिनल से वापस सेल में आ जाता है। तो ये एक पूर्ण इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। तो आइए जानते हैं सर्किट कितने प्रकार का होता है। मुख्यतः विद्युत सर्किट 6 प्रकार के होते हैं। क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, लीकेज सर्किट, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। तो आइए जानते हैं क्लोज सर्किट क्या होता है। जब किसी विद्युत सर्किट का स्विच ऑन स्थिति में हो अर्थात लोड कार्य कर रहा है तो ऐसी स्थिति को क्लोज सर्किट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो एक पंखा चल रहा है यानी लोड कार्य कर रहा है तो ये स्थिति क्लोज सर्किट कहलाएगी। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट यदि किसी विद्युत सर्किट का स्विच ऑफ स्थिति में तो ये स्थिति ओपन सर्किट कहलाएगी क्योंकि वो लोड कार्य नहीं कर रहा है। मान लो किसी बल्ब का स्विच ऑफ स्थिति में यानी बल्ब नहीं जल रहा है तो ये स्थिति ओपन सर्किट कहलाएगी। शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट जब किसी विद्युत सर्किट में विद्युत स्रोत के दोनों सिरे आपस में जुड़ जाते हैं तो ये स्थिति शॉर्ट सर्किट कहलाती है। जैसे मान लो एक बल्ब है जिसमें दो वायर यानी माइनस और प्लस है जो आपस में टच हो जाते हैं, ये स्थिति शॉर्ट सर्किट कहलाएगी। इस स्थिति में लोड कार्य नहीं करेगा क्योंकि करंट को लोड से पहले गुजरने का रास्ता मिल गया है। अब बारी आती है लीकेज सर्किट। किसी भी उपकरण की बॉडी में करंट आ जाए यानी कि करंट का लीकेज हो रहा है तो ये स्थिति लीकेज सर्किट कहलाएगी। मान लो एक स्टेबलाइजर है जिसकी बॉडी में करंट का फ्लो हो रहा है तो स्थिति लीकेज सर्किट कहलाएगी। सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट क्या होता है। जब दो या दो से अधिक विद्युत उपकरणों को आपस में एक के बाद एक क्रम में जोड़ दिया जाए तो स्थिति सीरीज सर्किट कहलाएगी। मान लो दो बल्ब है जिनको हम क्रम में लगाते हैं तो पहले बल्ब के पहले सिरे में प्लस से जोड़ते हैं तो दूसरे बल्ब के दूसरे सिरे को माइनस से जोड़ना पड़ेगा। इस स्थिति में करंट का फ्लो एक बल्ब से दूसरे बल्ब में होगा। इसका अच्छा उदाहरण मेले में की जाने वाली लाइट डेकोरेशन है। अब बारी आती है पैरेलल। पैरेलल सर्किट क्या होता है। जब दो या दो से अधिक विद्युत उपकरण के सिर को आपस में तार से जोड़ दिया जाता है तो स्थिति पैरेलल सर्किट कहलाती है। हाउस फिटिंग पैरेलल सर्किट में होती है क्योंकि इसमें सभी विद्युत उपकरण जैसे पंखा, टीवी, फ्रिज, एसी आदि को पैरेलल सर्किट में जोड़ा जाता है। तो आज हमने जाना कि सर्किट क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।